एकदम चुप। अगर तू भाग गई ना तो लाली रानी तेरे वेद जी को खत्म कर देगी। उसने तेरे वेद जी को पकड़ कर रखा है। वेद जी मेरी बात सुनिए, वेद जी। और भागेगी? ये भागी नहीं थी, ये मेरे साथ। मेरे आदमी के सर पे वार करने से पहले या बाद में? मतलब ये भागी रही थी पर मेरे समझाने पर रुक गई। और आप ही ने तो कहा था कि कल जश्न के लिए तैयारी करना है। फिंदिया रानी, हाय मैं मर जाऊं। मेरी लाली रानी की कोमल कली, अब समझी मैं कि तूने समझने में देर कर दी। और देख, तेरी इस लाली रानी का सारा गुस्सा इस आशिक पर निकल गया। कोमल कली, मना किया था तेरे आशिक को कि दोबारा यहां मत आना, पर इसने मेरी बात मानी नहीं। अब तू ही बता क्या करती, मारना पड़ा ना? मना किया था ना तुझे भी कि कोई नखरा मत दिखाना, पर तूने क्या किया? कोमल कली, तूने भी बात नहीं मानी। हाँ बोल कोमल कली, क्या करूं? तेरा और तेरे इस आशिक का। एक मिनट, जोरावर, क्यों ना तेरे इस आशिक को ही मार देती। नहीं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं, नहीं, इन्हें कुछ मत करना। आप जैसा कहेंगी ना मैं वैसा करूंगी। जलसे के लिए तैयार होऊंगी। आपको मेरी बोली लगानी है ना, लगा दीजिए। आप जहां कहेंगी मैं वहां बिकूंगी। पर रहम कीजिए, इन्हें कुछ मत कीजिए, इन्हें कुछ मत कीजिए। आप जो कह रही हूँ एकदम सच है, ऐसे आशिकों को तो मौत के हवाले कर देना चाहिए। नहीं, पर क्या कर सकते हैं, कल जलसा है। अगर आप इसे जान से मार देंगी तो कल कोई कदरदान नहीं आएगा। और ये अगर बगावत पे उतर गई तो आपके हाथ से कोहिनूर चला जाएगा। बात तो पते की कह रही है बिंदिया, है ना? इसे उठाकर थैले पर रखकर बाहर चौक पर फेंक दो। अगर जान रहेगी तो अपने आप घर चला जाएगा। अब क्या आप भी छोटी छोटी बातों में अपना ब्लड प्रेशर हाई कर देती हैं? चलिए मैं आपकी चंपी कर देती हूँ।
खबरदार, अगर अपनी कही हुई बात से पलटी तो, वरना तेरे इस आशिक को वापस यहां लाकर इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े। इसे चराहे पे फेंकवा दो। पिंजरे में कैद चिड़िया सिर्फ दो ही काम कर सकती है, या तो चुपचाप दिया हुआ दाना चूक सकती है, या तो पंख फड़फड़ा के खुद को घायल कर सकती है। तू बता, तू क्या करना चाहती है? खुद को घायल करके क्या फायदा होगा तेरा? तू नहीं जानती है कि बस इतना जानू हूं बिंदिया कि जिन वेजी को तूने बाहर घायल देखा, उन्होंने मारे को इज्जत की जिंदगी जीना सिखाया। प्यार क्या होता है मेरी उनसे जाना, प्यार शब्द पर यकीन हुआ वीर जी की वजह से।